हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी टॉपर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी का संस्कृत भाषा में निबंध किस तरीके से लिखे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक में हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। 2 अक्टूबर गांधी जयंती आने वाली है, इसी के उपलक्ष्य में आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 10 नंबर के क्वेश्चन में। आज हम बताएंगे कि जब ये 10 नंबर के क्वेश्चन में ये आए तो आप किस तरीके से आंसर राइटिंग करें कि आपको पूरे नंबर मिल जाएं। चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा गांधी का निबंध। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, महात्मा गांधी अस्माकम राष्ट्रपिता कथ्यते। ठीक है, इसमें हम आपको हिंदी अर्थ नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगा पढ़ने से ही। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, अस्य महापुरुषस्य पूर्ण नाम मोहनदास गांधी आसीत। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे, तस्य पितुः नाम करमचंद्र इति आसीत। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, पुतली बाई तस्य माता आसीत। आप लोगों को ये पढ़ने से ही समझ आ रहा होगा कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं, उनका पूरा नाम मोहनदास गांधी है, उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी है और पुतली बाई उनकी माता का नाम है। ठीक है, अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट हम लिखेंगे, तस्य जन्म पोरबंदराख्ये नगरे गुजरात प्रदेशे 2 अक्टूबर 1869 तमे वर्षे अभवत। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट लिखेंगे, सह संपूर्ण भूमंडलस्य हितमाचार। सेवेंथ पॉइंट हम लिखेंगे, सह अस्माकं देशं स्वतंत्रं अकारयत। एट्थ पॉइंट हम लिखेंगे, सह सदा सत्यं वदति स्म। नाइन्थ पॉइंट हम लिखेंगे, मनसि वचसि कर्मणि चा तस्य एकता आसीत। और लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे, 30 जनवरी 1948 वर्षे तस्य निधनः अभवत। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस टॉपिक पर हिंदी और इंग्लिश में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।